मध्य प्रदेश में नगरी चुनाव को लेकर फैसला जारी। अभी नहीं होंगे नगरी चुनाव, कम से कम 6 महीने तक चुनाव होना संभव नहीं है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने अराजपत्रित अधीनस्थ सेवाओं के लिए ग्रुप बी के पदों पर हो रहे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी किए। 26 फरवरी को 36 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। कोरोना से बेहाल दुनिया भर के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वायरस के नए मामलों में 19% की गिरावट आई है। केंद्र सरकार ने कोरोना से माता पिता खोने वाले बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। अपनी प्रचंड जीत को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की जनता का आभार जताया। ममता बनर्जी ने इस जीत को लेकर कहा, मैं इस जीत को राज्य की जनता और मां माटी को समर्पित करना चाहती हूं। कर्मचारियों की लेट लतीफी के खिलाफ योगी सरकार की टेढ़ी नजर। नगर निगम कर्मचारियों के अब देरी से दफ्तर पहुंचने का अब खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीएचयू कैंपस में छात्र के साथ छेड़छाड़, पुलिस को खबर देने से आरोपी हुआ गिरफ्तार। अब आगरा में कूड़े कचरे से बनेगी बिजली, योगी ने किया वेस्ट क्यू एनर्जी पावर प्लांट का शिलान्यास। और भोपाल नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के घर पड़ा छापा, 70 लाख के संपत्ति की गई बरामद। हाथरस के नगला बिहारी गांव में जलभराव की समस्या के चलते ग्रामीणों ने मतदान को रोका। अलवर में पेट्रोल पंप में पानी आने के चलते हुआ हंगामा, नहीं हुई कोई कार्यवाही। सरसीवा में छेड़छाड़ के मामले में आरोपी गिरफ्तार, नशे की हालत में की महिला के साथ छेड़छाड़। एमपी में बड़ी ठंड, इंदौर में भी लुढ़का पारा, अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। राजस्थान में हुआ दर्दनाक हादसा, बारात लेकर जा रही कार चंबल नदी में गिरी, दूल्हा दुल्हन समेत 9 लोगों की मौत। भारत ने छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की दी सलाह, रूस से तनाव के बीच जारी एडवाइजरी। महाराष्ट्र में गांव की महिला सरपंच को सरपंच से हुआ प्यार, दोनों ने रचाई शादी। भिंड हाई सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में मचा बवाल, समय से पूर्व ही छात्रों के आने पर भी नहीं देने दी परीक्षा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानों से कांग्रेस पर बोला हमला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से की है। और चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू यादव को आज गिरफ्तार किया गया, 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए का किया जुर्माना। बिजनौर में हुई पुलिस कांस्टेबल की हत्या, प्रेमी और तहसीलदार ने करवाई हत्या। झाबुआ में हाईवे पर भिड़े 2 ट्रक, चालक की हुई मौत। ग्वालियर में चोरी का मामला, एक ही रात में 3 ATM को काटकर चोरों ने उड़ाए 45 लाख रुपए। और जयपुर जेल में बंद इंजीनियर ने फांसी लगाकर दी जान, पॉक्सो एक्ट में हुई थी गिरफ्तारी।